अपने आप में मेल होना, मतलब आदमी होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है. वन सिगरेट अ डे कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक. डायबिटीज़ इतना एक्सटेंसिवली स्टडीड चीज़ है कि बाय 2030 25-30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी डायबिटिक. इफ़ यू आर टेकिंग जंक फूड तो डेफिनेटली हार्ट अटैक के आप कैंडिडेट हैं. हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है. आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है हार्ट हेल्थ. दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं. उसका समय पर प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है. इस सिलसिले में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल महाजन जो कि जम्मू के एक बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं. इनसे जानेंगे कि किस तरह से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और क्या कुछ हमें प्रिकॉशंस करने चाहिए. वेलकम सर. हाय. हेलो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ होती हैं वो किस टाइप की होती हैं और किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं. देखिए, जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें तो जो कुछ तरह की बीमारियाँ हैं जो पैदा होने से पहले ही हो जाती हैं वो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, जो फीटल मेडिसिन, जिसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है. उसके बाद कुछ 3 या 4 तरह के छेद होते हैं हार्ट में जो कि पैदा होते ही हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं इकोकार्डियोग्राम में. कुछ बच्चे जिनको हम पहले दिन या पहले हफ्ते में लूज़ कर देते हैं, उनमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो राइट टू लेफ्ट, वो साइनोटिक डिजीज़ होती हैं. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, देखो, जो टीनेज तक जो डिजीज़ पकड़ी जाती हैं वो वही होती हैं जो पैदा होते हैं, मतलब जो पैदाइशी होती हैं जिनमें दिल में छेद होता है, वो डिफरेंट एज ग्रुप्स पे पकड़ी जाती है क्योंकि वो सिम्टम्स नहीं होते हैं. रिलेटिवली 20-35 ईयर्स की एज में जो बीमारियाँ होती हैं, अगेन दे आर जेनेटिक. जेनेटिक मतलब वो आपकी फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या इस तरह की बीमारियाँ होती हैं. 35 से 40 साल या उसके बाद की जो बीमारियाँ होती हैं वो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं. एक्वायर्ड मतलब किसी वजह से, स्मोकिंग की वजह से या फिर आपके हैबिट्स की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज होना, वो बीमारियाँ देखी जाती हैं. एंड जब हम एल्डरली हो जाते हैं, 65-70 क्रॉस कर जाते हैं, उस ग्रुप में ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं वो इसलिए होती हैं कि हमारा जो हार्ट का वेयर एंड टीयर हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली पेसमेकर्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं, जिसको हम कंडक्शन सिस्टम फेलियर बोलते हैं, वो बीमारियाँ होती हैं. हार्ट डिजीज़ में किस तरह के रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? देखो, जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं वो 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल. नॉन मॉडिफाइबल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. सो मेल्स में अपने आप में मेल होना, मतलब आदमी होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, सो यू कैन नॉट चेंज इट. सो दिस इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. सेकेंड इज़ आदमियों की उम्र का 55 साल से ज़्यादा होना और औरतों की उम्र का 65 से ज़्यादा होना रिस्क फैक्टर है. उसका जो अंडरलाइंग रीज़न है वो ये है कि औरतों में 45 ईयर्स तक मेंसेस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कपड़े आते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जो कि भगवान का दिया हुआ प्रोटेक्टिव हार्मोन है, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते हैं. एंड जब वो मेनोपॉज आ जाता है, कपड़े आना बंद हो जाते हैं, उसके 15-20 ईयर्स के बाद उनका रिस्क मेल के बराबर हो जाता है. तो दैट इज़ वाई फीमेल्स अबव द एज ऑफ 65. थर्ड इज़ फैमिली हिस्ट्री. अगेन आप फैमिली हिस्ट्री को बदल नहीं सकते हैं. तो जिन लोगों की फैमिली में हिस्ट्री होती है, घर परिवार में फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में बीमारियाँ होती हैं, उनमें हमेशा चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो ये 3 नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते. इसके अलावा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्लड प्रेशर है. BP आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप बच सकते हैं, बीमारियाँ कम होंगी. सेकेंड इज़ डायबिटीज़, शुगर. शुगर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ऊपर जो रैंक किया जाता है रिस्क के हिसाब से, वो डायबिटीज़ है. क्योंकि शुगर के मरीज़ों में साइलेंट अटैक्स होते हैं जो कि बहुत बारी पता ही नहीं रखते, उनको पता ही नहीं होता. इनफैक्ट बहुत बारी शुगर के मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनको कुछ सिम्टम हुआ था, वो कुछ भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की फॉर्म में हो सकता है, तो उनको कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है. वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कुछ हुआ ही नहीं. फिर उनको समझाना पड़ता है कि जो नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में. तो थर्ड इज़ फर्स्ट इज़ BP, सेकेंड इज़ डायबिटीज़, थर्ड इज़ कोलेस्ट्रॉल. जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ अगेन मॉडिफाइबल. आप दवाई खाएंगे, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं. देन इज़ स्मोकिंग.
Now, smoking has come up as actually the most important risk factors again after diabetes. Cigarette smoking हो, hookah smoking हो, e-cigarettes आजकल आए हैं मार्केट में, वो वाली स्मोकिंग हो, किसी भी तरह की जो स्मोकिंग होती है, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक. सो अगेन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना, आप अपने यू कैन चूज़ नॉट टू स्मोक. आप डिसाइड करके स्मोकिंग बंद कर सकते हैं या हेल्प लेके बंद कर सकते हैं या आप करें ही ना. तो ये रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो हार्ट डिजीज़ के होते हैं. इसी सवाल को आगे लेते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जिन्हें ब्लड प्रेशर होता है उनमें ये रिस्क जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या मेजर्स ले सकते हैं और किस तरह का लाइफस्टाइल अपना रख सकते हैं ताकि उन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना या तो कम हो जाए, मतलब उससे बचाव हो जाए? देखो, आप ब्लड प्रेशर और शुगर को अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल है अगेन, बिकॉज अगर आप ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री देखते हैं तो मोर देन 90% केसेस में मेडिकल साइंस को आज तक ये नहीं पता ब्लड प्रेशर क्यों होता है. बहुत बड़ी मरीज़ आते हैं, पूछते हैं सर हमें बीपी हो गया, क्यों हो गया. सो क्यों का रीज़न है नहीं, बिकॉज जब मेडिकल साइंस को ये रीज़न नहीं पता तो मैं बता नहीं पाऊँगा. तो ब्लड प्रेशर एक बारी अगर हो जाए तो हमें ये पता है उसको ट्रीट कैसे करना है. हम उसमें एक दवाई भी देते हैं, उसमें हम 6 या 7 दवाइयाँ भी देते हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन हम देते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर के पास जाएँ, रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें एंड उसको रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट लें. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ वो ये है कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड, ये अगर बीमारियाँ या डिसऑर्डर्स एक बारी हो जाए ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे फ़ीवर हुआ, मेरा गला ख़राब हुआ, मैं एंटीबायोटिक खाऊँगा 5 दिन के लिए, 6 दिन 7 दिन 10 दिन, तो वो एक कोर्स है. बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड थायराइड, इसका कोई कोर्स नहीं है. सो अगर आपके डॉक्टर आपको एक दवाई डाल रहे हैं, प्लीज़ उसको ज़िंदगी भर खाइए. आप अपनी मर्ज़ी से दवाई बंद कर देंगे, बाद में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आपका शरीर, आपकी किडनी, आपकी आंखें, आपका हार्ट बिल्कुल आपका जवाब दे देगा और आप बाद में सोचेंगे, आप बोलेंगे सर आपने दवाई 1 महीने के लिए लिखी थी, मैं 1 साल बाद आ रहा हूँ, बट आपने तो 1 महीना लिखा है इस पर. अगर हम 1 महीना लिखते हैं, हम ये लिखते हैं 1 महीने बाद आइएगा, बीपी फिर से चेक करेंगे और उसकी दवाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बंद नहीं हो सकती. अगेन सेम अप्लाइज टू डायबिटीज़ इतना एक्सटेंसिवली स्टडीड चीज़ है कि बाय 2030 25-30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी डायबिटिक. तो डायबिटीज़ के डॉक्टर्स का नंबर भी ज़्यादा है, फेलोशिप्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप, मुझे ऐसा लगता है हर एक मोहल्ले में एक आपको शुगर का डॉक्टर मिलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर है. आपको उसके पास जाना चाहिए और अपने डायबिटीज़ कंट्रोल को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, बिकॉज अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगा वो हार्ट की बीमारियां तो करेगा ही, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको हार्ट अटैक होंगे, हार्ट की नाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, स्टेंट डल सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी तक नौबत आ सकती है, बट उसके अलावा आपकी आँखें चली जाएंगी, फिर आप आँखों के डॉक्टरों के पास जाएंगे, वो आपके रेटिना में इंजेक्शन लगाएंगे, आपकी किडनीज चली जाएंगी, आप डायलिसिस पे आ जाएंगे. सो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर सिर्फ हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बाकी ऑर्गन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से आपने बताया कि स्मोकिंग भी इसको बहुत बड़ा फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, तो आजकल जिस तरह से यंगस्टर्स में ये चीज़ कॉमन है कि आम है, एक वेप की बात की जाए जो इलेक्ट्रिक हम सिगरेट्स बोलते हैं और हुक्का, तो वो अपने पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं मम्मा, नहीं नहीं पापा, ये तो फ्लेवर्ड है, इसमें तो कुछ नहीं होता, ये इंजीरियस नहीं है या ये स्मोकिंग से बेटर है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये तो वैसा हो गया कि मतलब सस्ता जहर नहीं खाएंगे, महंगा जहर खा लेंगे, है ना, मतलब हमारी अच्छी क्वालिटी का जहर हमने खा लिया, अब देखो हमने ख़राब क्वालिटी का जहर नहीं खाया, ये वैसी बात है कि हमने तब, ये बहुत ही गलत चीज़ है. आई थिंक मैंने बहुत फोरम्स पे एग्जांपल दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. मैं दिल्ली में था, आई वॉज़ वर्किंग इन फोर्टिस हॉस्पिटल, मैं ड्यूटी पे था, इमरजेंसी पे, एक 16 साल इज़ अ वेरी यंग एज, 16 साल का लड़का किसी हुक्का बार से आया होगा या कहाँ से वो एग्जैक्टली आए थे, ही केम विद हिस्ट्री की हाथ यहाँ पे हाथ रख के वो चलता हुआ आया, खुद लड़का आया, तो यंग गाय 16 ईयर्स ओल्ड. अब हम सोचते भी नहीं है कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ECG किया एंड ही हैड अ मेजर हार्ट अटैक. इनफैक्ट ही हैड फाइनली, मतलब उसको स्टेंट लगाना पड़ा हमें उसी वक्त, वहीं पर नहीं लगाते तो वो बचता नहीं. तो हुक्का स्मोकर मेरे सामने है, मैं एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके सामने कि
मैंने खुद अपने हाथों से उसको ट्रीट किया है एक हुक्का स्मोकर को, फ्लेवर्ड हुक्का स्मोकर, आई एम स्पीकिंग अबाउट हुक्का बार में फ्लेवर्ड हुक्का, जिसको बहुत बारी बोला फ्लेवर्ड हुक्का है जी, फ्लेवर्ड हुक्का है, फ्लेवर्ड हुक्का स्मोकिंग कैन लीड टू हार्ट अटैक, उसको प्लीज़ सीरियसली लीजिए। अगर कोई भी पेरेंट इस चीज़ को अगर आप अपने लिए या अपने बच्चों में आप प्रमोट कर रहे हैं कि हुक्का स्मोकिंग फ्लेवर्ड से कुछ नहीं होता, बिल्कुल गलत धारणा है आपकी। उसके अलावा हमने वेप की बात की, ई सिगरेट, सिगरेट स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, वेदर आप सिगरेट पी लीजिए, आप बीड़ी पी लीजिए, आप सिगार पी लीजिए, आप वेप ई सिगरेट्स पी लीजिए, दे आर ऑल द सेम, दे विल लीड टू हार्ट अटैक। इन फैक्ट यंगस्टर्स में, जो यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, जब आप बोलते हैं यंग में हार्ट अटैक हो गया जी, यंग में हार्ट अटैक हो गया, आजकल हार्ट की बीमारी बहुत फैली हुई है, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, फर्स्ट इज़ लाइफ स्टाइल, ऑफकोर्स उनका लाइफ स्टाइल यंगस्टर्स का ख़राब हो रहा है बिकॉज स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, एंड जिसकी वजह से आई थिंक वो सिगरेट स्मोकिंग या किसी और इस तरह की चीज़ों का ड्रग इनटेक या इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से दे फाइनली इट लीड्स टू हार्ट अटैक। सो ये कहीं, और ये बुक पे मेंशन चीज़ें हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा कि नहीं हुक्का स्मोकिंग से हार्ट अटैक नहीं होते, मेरा मन कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, वेप से हार्ट अटैक नहीं होते, मेरा मन कर रहा है मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे नोन रिस्क फैक्टर्स हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें, और अगर आपको पता है कि आपका बच्चा या कोई बड़ा या कोई भी, तो प्लीज़ गो टू अ रिहैब, एंड स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। एल्कोहल ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर टेकन इन मॉडरेट अमाउंट, मतलब अगर आप एक या दो पैक पीते हैं तो बुक पे लिखा है कि हो सकता है वो प्रोटेक्टिव हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि वो पियो अब आप प्रोटेक्शन मिल जाएगा, हो सकता है कि वो प्रोटेक्टिव हो बट वो हार्म नहीं करेगा। बट सिगरेट अगर आप एक भी पी रहे हैं, जस्ट नो कि वो इट वन सिगरेट अ डे कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक। जिस तरह से हार्ट अटैक्स और कार्डिक अरेस्ट के बहुत से केसेस यंग लोगों में आ रहे हैं, तो क्या लाइफस्टाइल भी इसमें एक फैक्टर है, या हेल्दी डाइट हम नहीं ले पा रहे हैं, या जहाँ पे अडल्ट्रेशन आ जाती है बात, तो क्या ये सब चीज़ें उसमें फैक्टर हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सी, लाइफस्टाइल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स टू फॉलो, जिसमें दो चीज़ें जैसे आपने बोला कि अडल्ट्रेशन से ज़्यादा आई विल से जंक फूड, बिकॉज हम यंगस्टर्स में देखते हैं कि वो जंक फूड की तरफ बहुत इंक्लाइंड होते हैं, ईजिली मिल जाता है घर पे, फादर मदर वर्किंग है, आई एल नॉट, मतलब मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट फादर बिजी है, मदर बिजी है, तो खाना बाहर से मंगवा देते हैं, जिसमें कि बहुत कॉमनली फ्राइज़ या पिज़्ज़ाज़ या बर्गर्स होते हैं। सो अगर हम हार्ट की जो सबसे बड़ी फूड को रिलेटेड स्टडी है, उसका नाम है प्योर स्टडी, यू कैन गूगल इट, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुपी हुई चीज़ है, प्योर स्टडी को अगर आप पढ़ेंगे और उसका कंक्लूजन अगर आप पढ़ लें 4-5 लाइन का, वो आपको क्लियरली बताता है कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक इज़ एसोसिएटेड विद 31% मोर रिस्क टू हार्ट अटैक। मतलब अगर आप कार्ब ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड इज़ प्योरली कार्बोहाइड्रेट, इट लीड्स टू हार्ट अटैक। ऑन द अदर हैंड, फैट एंड प्रोटीन इंटेक रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 21 and 22%। बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट है कि आप फैट खा रहे हो और आपका हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, बट ये सच है। तो ये सबसे बड़ी स्टडी है, प्योर स्टडी है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस ये स्टडी हुई है। एंड जैसे आपने बोला कि एडल्ट्रेशन, तो फूड हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग जंक फूड यू कैन टेक फैटी फूड से आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, बट इफ़ यू आर टेकिंग जंक फूड तो डेफिनेटली हार्ट अटैक के आप कैंडिडेट हैं। अदर दैन दैट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, येस, यंगस्टर्स में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आजकल हर एक को कुछ ना कुछ बनना है ना, पीयर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, आप कुछ बनने के चक्कर में या पढ़ना है, परफॉर्म करना है, उस वजह से स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन रश जिसको हम बोलते हैं, वो होता है, और जिसकी वजह से हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच होता है, और इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, दैट ऑल्सो कम्स इन लाइफ स्टाइल। सो रिकमेंडेड जो है वो ये है, आप 40 मिनट्स की वॉक करें, ब्रिस्क वॉक, जिसमें आप बहुत तेज़ चलेंगे, ब्रिस्क मतलब आप चल रहे हैं, आपको सांस फूल रहा है, एटलीस्ट 4 times a week। सो दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट्स एट होम, इट हैज़ टू कम फ्रॉम द फैमिली फॉर द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज यंगस्टर, जैसे मैंने आपको बोला, they need more time from their parents, जो कि सबसे important और सबसे बड़ी missing चीज़ है आज की lifestyle में, कि हम
पेरेंट्स को अपने काम पे जाना है, उसमें जाना है. दे वी आर नॉट एक्चुअली गिविंग टाइम टू अवर किड्स. दैट्स माई फर्स्ट थिंग आई विल से. इट हैज़ टू कम फ्रॉम फैमिली. येस, अदर दैन दैट यू शुड डेफिनेटली गो टू योगा क्लासेज. जो मैं अगेन दैट इन माई क्लिनिक आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, यू शुड गो टू अ रिहैब सेंटर जहाँ पे डिफरेंट योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं फॉर योर माइंड रिलैक्सेशन. एंड प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम, जो दूर रहिए उन चीज़ों से जो कोई नशीला पदार्थ आप लेते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए. इट कैन एक्चुअली लीड टू हार्ट अटैक. सर, क्या AI या टेलीमेडिसिन का कुछ खास रोल हमें कार्डियोलॉजी फील्ड में देखने को मिलेगा? मिलेगा तो पता नहीं, वो तो आई थिंक टाइम विल टेल. बट येस, देर इज़ अ मशीन विच हैज़ कम अप विच इज़ AI एनेबल्ड ECG मशीन. वी कुछ सेंटर्स में अभी मैंने रिसेंटली इंस्टॉल करवाई है. उसका द रोल ऑफ दोज मशीन इज़ एक्चुअली, वो ECG मशीन आपको डायग्नोसिस दे देती है. आप ECG करते हो तो वो उसके पास कुछ 20 लाख ECGs हैं AI में, जिससे वो कंपेयर करके आपको डायग्नोसिस दे देती है विद इन लेस देन 2 मिनट्स. एंड उसका रोल बहुत अच्छा है पेरिफेरल कुछ OPDs जहाँ पे मेरे मतलब जो मेरे जानकार दोस्त हैं जिनको मैंने बोला आप ये मशीन लगाइए. एंड वो मशीन जो है वो एक कंप्यूटर जनरेटेड कॉल जो होती है वो उसी टाइम पे विद इन 2 मिनट्स मिल जाता है. एक मुझे आता है और एक दो जगह पे वो जाएगा. एक मुझे आएगा मतलब जो डॉक्टर जिसने अपना दिया होगा नाम या नंबर, और एक और डॉक्टर, मतलब दो डॉक्टर्स को वो इन्वॉल्व कर लेते. ऑटोमेटिकल कॉल चली जाती है इन दो जगहों पे कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट है, वहाँ पे ECG हुआ है, इसको हार्ट अटैक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव सीन विद AI जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी है. सर, जम्मू में किस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इस फील्ड के रिलेटेड, और कब तक हम देख पाएंगे कि फुल्ली इक्विप्ड जो हॉस्पिटल्स हैं जम्मू में भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के लिए देखने को मिल सकते हैं? सो सी, हार्ट रिलेटेड जो रीसेंट एडवांसेस हैं, मतलब इसमें वो हो जाएगा, बट आई विल टेल यू समथिंग. मैंने मैक्सिमम जो केसेस हैं वो आई हैव डन इट, बिकॉज जो 4-5 रीसेंट एडवांसेस कार्डियोलॉजी की फील्ड में थी. एक CRT डिवाइस था, जब मैं जम्मू आया वापस दिल्ली से तो मैंने CRT किया, और अब मैंने मोर देन 100 CRT कर दिए हैं जो पहले होते नहीं थे. अदर दैन दैट, एक लीडलेस बीकासूल के साइज़ के जितना एक पेसमेकर माइक्रा लॉन्च हुआ है, मैं वो भी कर चुका हूँ. उसके अलावा एक टेक्निक होती है जिसमें हम जैसे स्टेंट लगाते हैं वैसे हम वैल्व लगाते हैं, उसको हम TAVI बोलते हैं, एओर्टिक वैल्व. बिना छाती खोले हुए वैल्व रिप्लेसमेंट हो जाता है. आई हैव डन दैट. कुछ हैं प्रोसीजर्स स्टिल, आई विल से देर आर टू थ्री वन और टू प्रोसीजर्स विच एक्चुअली आर नॉट मार्केटेड. मतलब वो मार्केटेड नहीं है, वो आप कर नहीं सकते. इंडिया में 2 या 3 या 5 सेंटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइट्रा क्लिप उसको बोलते हैं, वो हुआ नहीं है. वो मतलब वो उन्हीं सेंटर्स में किया जा सकता है, वो आप कर नहीं सकते जम्मू में. तो वो ऑल ओवर इंडिया 5 हॉस्पिटल्स में ये भी हो सकता है, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल है. तो उसके अलावा आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ लेफ्ट जो कार्डियोलॉजी का जम्मू में नहीं हो रहा. सब कुछ हो रहा है. एंड आई थिंक जो पेशेंट पहले बाहर जाते थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम पेशेंट्स को हम जम्मू के डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज कर पा रहे हैं. सर, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उससे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या कुछ रूटीन चेकअप्स कितने फ्रिक्वेंटली करवाने चाहिए, और क्या कुछ टेस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स की एडवाइस पे करने चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच पाएँ या अर्ली स्टेज पे? सो कार्डियक चेकअप, देखो आप ब्लड टेस्ट बहुत फ्रिक्वेंटली देखोगे कि हेल्थ पैकेज ले लिया जी मैंने तो सारे टेस्ट करवाए थे, ब्लड टेस्ट से मुझे कैसे हार्ट अटैक हो गया. प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए, हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी कहीं पर भी हो सकता है. तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ. अगर आपने आज सुबह टेस्ट किए और टेस्ट नॉर्मल थे, अब शाम को आपको हार्ट अटैक हो सकता है. मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ. तो अपने लाइफस्टाइल को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, जिससे चांसेस कि आपको वही चीज़ हो कम हो जाए. अदर दैन दैट, जो टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो ECG, ECO एंड TMT है. मैं हर बार ही बताता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ. आप मुझे ब्लड टेस्ट दिखा देते हैं, सर देखो मेरा टेस्ट तो बिल्कुल ठीक है, फिर कैसे हो गया? तो मैं सबको बोलता हूँ, प्लीज़ आप एक ECG, एक ECO और एक TMT, एटलीस्ट वंस यू क्रॉस 36-37 और लेट अस से 40, सो गेट ए ECG, ECO, TMT डन. और अगर लगातार 2 साल वो नॉर्मल आता है, देन वंस इन 3 ईयर्स फिर आप रिकमेंडेड है कि 3 साल में एक बार ये 3 टेस्ट करिए. ECG नॉर्मल ECG है, ECO हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, और TMT ट्रेडमिल टेस्ट है जिसमें आपको चलाया जाता है और ECG किया जाता है. ये 3 टेस्ट हर एक इंसान जो 40 को क्रॉस कर गया है, प्लीज़ अपना करवाओ. और उसी से पता लगेगा आपको हार्ट की बीमारी है या नहीं है.
आप ब्लड टेस्ट करा के बता दो कि सर देखो मेरा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, बुक पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हाँ ये लिखा है कि अगर बढ़ा है तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके, पर ये नहीं लिखा कि आपको ये रिस्क फैक्टर जो मैंने डिस्कस किए थे नहीं है तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये कहीं लिखा नहीं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निखिल महाजन, जिन्होंने आज हमें बताया कि किस तरह से हम अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इस तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट काकाराम के साथ मैं हिमानी कंधारी।